कन्नौज के सतवास रोड पर सरकारी जमीन पर किया अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें कन्नौज क्षेत्र के अलावा देवास से भी फोर्स बुलवाया गया था। सुबह 9 बजे शुरू हुई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही 10:30 बजे तक चली। अनुविभागीय अधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर माफियाओं के विरुद्ध यह कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत सतवास मार्ग पर शासकीय जमीन पर 2 माफियाओं द्वारा कब्जा किया गया था, जिसे मंगलवार को सुबह हटाया गया। इसी तरह 11 बजे के लगभग यात्रा मैदान मार्ग स्थित शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को भी जेसीबी मशीन से हटाया गया। इस मौके पर पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, नगर पंचायत अमला तथा भारी पुलिस बल तैनात था। सिंह ने कहा कि माफिया अभियान के तहत जिनके अतिक्रमण चिन्हित किए जाएंगे, उन सब के अतिक्रमण को सख्ती से हटाया जाएगा। कन्नौज से कमल गर्ग, राही की रिपोर्ट। जी, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार अभी जिन जिन लोगों का अतिक्रमण चिन्हित किया जाएगा माफिया अभियान में, उन सबका डीमांड आने की कार्रवाई की। क्या सर, जो कुछ दिनों पहले जो है कन्नौज में लोकल घटना हुई थी, उस संदर्भ में हिंदू समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया था आपको, तो उसमें अतिक्रमण हटाने की बात की गई अपराधियों का और जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया था, तो क्या उन लोगों के अतिक्रमण भी हटेंगे की अतिक्रमण वगैरह है उसमें हटाए गए थे, उसके अलावा और भी अतिक्रमण चिन्हित करा गया है वो भी हटाया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।